Second most important point is that always make the big groups. ठीक है, नंबर वन ऑक्टेट, नंबर टू क्वाड, नंबर थ्री पेयर. सबसे हाई रिडक्शन ऑक्टेट पे होता है. ऑक्टेट मीन्स एट वंस, क्वाड मीन्स फोर वन. आज हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड टू वन. इसके बाद नंबर फोर पे आता है सिंगलेट. सिंगलेट एक एक्सेप्शनल केस होता है कि कोई भी ऑक्टेट क्वाड एंड पेयर नहीं बन रहा. एक ऐसा पर्सन जो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम इंडिविजुअली रिजॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं. अंडरस्टैंड? बट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सारे वन को किसी ना किसी ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर लें. तो इन ग्रुपिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ग्रुपिंग्स. एमएस पेंट, ठीक है, वन मिनट. सी हाउ टू मेक द ग्रुप्स. अगर हम फोर वेरिएबल के केमैप स्ट्रक्चर की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू द फोर वेरिएबल, फोर वेरिएबल्स को कवर करने के लिए वी हैव टू मेक द केमैप फॉर 16 ब्लॉक्स. 16 ब्लॉक्स. प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उनसे भी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर प्रैक्टिस ना की जाए. ओके, तो वन टू थ्री फोर, फोर फोर के ये ब्लॉक्स बन गए. अब इन सेल्स के अंदर कुछ नंबर्स हम प्लेस करते हैं. तो सेल की नंबरिंग इस टाइप से होती है. जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन. ये सारी चीजें आपके माइंड में पूरी तरह से एडजस्ट हो जानी चाहिए. एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन एंड 15. अंडरस्टैंड? इसके बाद क्वेश्चन में हमें कुछ पोजीशंस दी जाती हैं और उन पोजीशंस पर हमको वन प्लेस करना होता है. अगर क्वेश्चन सिग्मा बेस्ड है, सिग्मा बेस्ड मींस एसओपी बेस्ड है, आज से हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएंगे. सी, अब कुछ चीजें हैं बिफोर एंटरिंग इन द क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूं. ये कुछ वंस हैं, ठीक है, ऐसे दिए. अब इन सारे वन को हमें कवर करना है. कवर का मतलब है कि इनको इन सर्कल्स करना है, इनके ग्रुप्स बनाना है. कोई भी वर्ड से आप समझ लें, इनको हमें ग्रुप्स बनाना है. दे आर इंडिविजुअल वन. तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑक्टेट देखते हैं. तो ऑक्टेट का मतलब होता है एट वंस. तो एट वंस एक साथ तो नहीं आ रहे हैं. आठ वन हैं तो, लेकिन ऐसे सीक्वेंस में नहीं है कि उनको एक ग्रुप में कवर किया जा सके, क्योंकि हम इस तरह से कोई ऑक्टेट नहीं बना सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. ऑक्टेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो अब यहां पर ऑक्टेट तो पॉसिबल नहीं है. तो अब हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे, डेट इज क्वाड. तो ये एक क्वाड बन सकता है, नो प्रॉब्लम. दिस इज वन क्वाड.
कॉट का मतलब होता है चार वन को एक बॉक्स में कवर करना, सॉरी फिर सर एक ट्रिपल बनेगा, नहीं कॉर्ड होता है यानी चार वन, ऑक्टेट होते हैं मतलब एट वन, पेयर का मतलब होता है टू वन, बस ये तीन चीजें होती हैं। मैं कह रहा हूँ सर दो क्वाड ही पेयर, सर थ्री का नहीं होता, गुड वेरी गुड, दो पेयर, हाँ एक पेयर, एक पेयर दो सिंगल। अब ये तीन वन बचे हमारे पास, एक वन ये है, एक वन ये है, एक वन ये, अंडरस्टैंड? तो मैंने आपको बताया था सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, मतलब इन तीन वन को एक क्वाड बनाने में ये वन हेल्प कर सकता है। तो अगर ये वन इन तीनों के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो एक क्वाड हमारा और बन जाएगा, लाइक दैट, अंडरस्टैंड? दिस इज द अनदर क्वाड, दिस इज कॉल्ड, दिस कॉन्सेप्ट और टेक्निक इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। If someone are involved and covered in one chord and they can support to another group, ये दूसरे group को भी support कर सकते हैं। Understand? Good. जैसे कि ये कुछ friends हैं जिनका एक group बना हुआ है। One minute, let me clear this. और ये एक student है जिसका कोई group नहीं बन रहा है। तो ये group इसको भी अपने साथ इन्वॉल्व कर सकता है, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब देखो यहां पर, अब ये वन बचा, इस वन के साथ अगर हम देखें तो कोई कॉर्ड नहीं बन रहा है। वन का मतलब कॉर्ड बनने के लिए चार वन होने चाहिए, इट हैज अ सिंगल वन। तो हम इसके साथ इसकी पेयरिंग कर सकते हैं, नाउ इट कैन बी अ पेयर। ऑल राइट सर, एक ही वन मल्टीपल कॉर्ड में हेल्प कर सकता है? हाँ, कर सकता है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीपल कॉर्ड में भी हेल्प कर सकता है। अच्छा, अब जब हमारे सारे वन कवर हो जाते हैं तो ये इनसर्कलिंग प्रोसीजर हमारा स्टॉप हो जाता है, बस अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अगर मान लो सपोज यहां पर एक वन होता तो फिर देखते कि क्या ये दोनों वन किसी तरह से किसी कॉर्ड में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो नहीं हो रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों आपस में मिल करके एक पेयर बना लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, सोचना है तुमको, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पार्ट, ये सबसे इंटेलिजेंट पार्ट है, बेस्ट कॉर्ड, बेस्ट ऑक्टेट और बेस्ट पेयर तुमको बनाना है। अगर मान लो एक वन यहां पे होता, देन व्हाट विल हैपन? तीन कॉर्ड बन जाते हैं। अब ये वाला वन तो इस कॉर्ड में इन्वॉल्व है, लेकिन इस वन को अगर हम री इन्वॉल्व कर लें तो एक बेटर कॉर्ड हमारे पास और बन सकता है, लाइक दैट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ओके, अंडरस्टैंड? One minute, please, one minute. One very important point I want to discuss with you all. इसको हम पहले screen, print screen लेकर के आपके group में भेज रहे हैं for your understanding. बस यहाँ पर आपको एक चीज और समझना है, जितना time लगेगा बस यही लगेगा, question बहुत जल्दी solve होंगे इसके, बहुत fast. एक week में आप पूरी तरह से perfect हो जाएंगे, लेकिन हमें ये small small thing समझना बहुत जरूरी। अब एक चीज देखिए सर, कैन वी डू लाइक दैट, एक पेयर हम यहां बना लेते हैं और इसके साथ भी एक पेयर बना लेते हैं, तो वी हैव क्रिएटेड द टू पेयर, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इस सिचुएशन में एक कॉर्ड बन सकता है, और अगर कॉर्ड बन रहा है तो आप पेयर कभी नहीं बनाएंगे, हमेशा आपको प्रेफरेंस हायर ग्रुप्स को देनी है। अगर ऑक्टेट बन रहा है देन यू विल नॉट गो विद द कॉर्ड, और अगर कॉर्ड बन रहा है देन यू विल नॉट गो विद, क्लियर? अंडरस्टैंड? अब देखो हम ये सारे वन रिमूव कर रहे हैं, लेट मी सी एक दूसरी सिचुएशन,
इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या बन सकता है? सर दो क्वाड बनेंगे। देखो एक तो क्वाड ये बन जाएगा, वेरी गुड एक्सलेंट, एक तो क्वाड ये बन जाएगा, बट सर ये कैसे क्वाड बन जाएगा? ये तो दो दो वन अलग अलग हैं ऑन डिफरेंट पोजीशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैप रोलिंग, मैप रोलिंग। तो ये दो वन मैप रोल करके इनके साथ एक क्वाड बना सकते हैं। Understand? Do you understand? This is called map rolling concept. So we are just discussing from the last class to this class what are the various possibilities to make the quad octet and pair. ताकि हमारा answer सबसे ज़्यादा optimized हो और सबसे ज़्यादा reduced हो। हमारा objective होता है maximum level पर expression को reduce करना। So do you understand this question? Immediately, I am sending in your group map rolling. ये सब जा रहे हैं आपके पास examples group में. Now, can you please tell me इस situation में क्या हो सकता है? बहुत important situation है, बहुत important situation. आराम से देखिए, टेक योर ओन टाइम। सर एक ऑक्टेट और एक पेयर। ऑक्टेट एक दो तीन चार पांच। देखो एक आदत, आदत तुमको बनानी है, हैबिट। ऑक्टेट बन गया। हैबिट तुमको ये डेवलप करनी है कि सबसे पहले अगर तुम्हें पूरे कार्नोफ मैप में एक वन भी दिख रहा है तब भी तुमको हैबिट ये डेवलप करनी है कि तुमको ऑक्टेट से सोचना है। क्या इसमें ऑक्टेट बन सकता है? लेट मी थिंक। ऑक्टेट हमको आठ वन चाहिए होते हैं, तो आठ वन हमको कैसे मिल रहे हैं? एक साथ तो नहीं मिल रहे हैं। लेट मी सी फ्रॉम मैप रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, अगर इन चार वन को हम मैप रोल करके इन चार वन के साथ एडजस्ट कर दें तो एक ऑक्टेट बन सकता है। यस, एक ऑक्टेट बन गया, यानी ये वाले चार वन मैप रोल करके इसके साथ एक ऑक्टेट बना लेंगे। मतलब ये वो एग्जांपल है जिसमें तुम मैप रोलिंग और ओवरलैपिंग दोनों एक ही में देखोगे। अब ये दो वन बचे, तो जब तक हमारे सारे वन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, मतलब जब तक हमारे सारे स्टूडेंट किसी ना किसी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इन दोनों वन को कैसे एडजस्ट किया जाए? हम इन दोनों क्वाड पेयर भी तो बना सकते हैं सर, लेकिन क्वाड हायर प्रेफरेंस पे बना सकते हैं। पेयर उस जगह पर बना सकते हैं जहां पर क्वाड ना बन रहा। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों वन जो क्वाड में इन्वॉल्व है वो इसको सपोर्ट दे करके, जो कि एक ऑक्टेट में इन्वॉल्व है ये दोनों वन, ये इसको सपोर्ट दे करके एक क्वाड बना लेंगे। ये जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन इससे बहुत इजी आएगा। बस ये जो केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब एक्सट्रीम लेवल केसेस हैं, मतलब जितना भी पेपर बाहर चला जाए आप उसे कवर कर लेंगे। This is the example of map rolling and overlapping. एक साथ map rolling and overlapping एक साथ, और ये भी आपके group में गया। इतनी जल्दी आपके पास notes पहुंच रहे हैं। Now, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जल्दी से अपनी कॉपी पे, मेरे लेक्चर्स को कॉपी के साथ अटेंड करिएगा। कॉर्नर क्वाड, कॉर्नर क्वाड जल्दी से कॉपी पे लिखिए। कॉर्नर क्वाड का क्या मतलब होता है? अगर आपको, अगर इसे कॉपी पे लिखना है आपको, अगर आपको चार कॉर्नर्स पे एक एक वन मिल रहा है क्वेश्चन में मिल रहा है, तो ये चारों वन आपस में कोऑर्डिनेट करके एक क्वाड बना सकते हैं। अंडरस्टैंड?
द ऑल लास्ट कैन मेक अ वन क्वाड. तो सर लास्ट वाले में एक और क्वाड हुआ यानी बस ये पूरा एक क्वाड हुआ. कहां पर लास्ट वाले में? वन मिनट ये ले यार लास्ट वाला. हाँ हो सकता था लेकिन अब तो सारे बन गए ना. ऑल आर इन्वॉल्व. जब तो वो रिडंडेंट क्वाड हो जाता. अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा तो बचा नहीं. ऑल सबके ग्रुप्स बन चुके हैं. सारे ग्रुप्स बन चुके हैं तो अब हम जैसे ही सारे ग्रुप्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर उसके बाद हम कोई क्वाड कोई ऑक्टेट नहीं बनाते. मतलब सारे स्टूडेंट अपनी अपनी क्लास में सेट हो चुके हैं. अब उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ठीक है. ओके वन मिनट लेट मी कमिंग बैक. ठीक है ये बन गया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं रुक रहा हूँ बार बार. इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए. जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी फास्ट. इसे अपनी कॉपी में लिखिए. दिस इज कॉल्ड अ कॉर्नर क्वाड. कॉर्नर क्वाड सर इन चारों में से कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. ये मतलब जो हो सकता है इन्वॉल्व. अगर मान लो यहां पर एक वन नहीं होता तो फिर कॉर्नर क्वाड नहीं बन सकता क्योंकि क्वाड के लिए चार वन का होना जरूरी है. अभी हमको एक चौथा फ्रेंड हमें नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए हम क्वाड नहीं बना पा रहे. अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू. अब इन तीनों को तो इन्वॉल्व करना ही है. अब इन तीनों को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? देखो ये अब मैप रोलिंग के एक पेयर ये होती है टॉप टू बॉटम मैप रोलिंग. अब कुछ स्टूडेंट ने सोचना शुरू कर दिया है तो ये होती है टॉप टू बॉटम मैप रोलिंग. और एक मिनट सॉरी जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन. और ये वाला वन इसको सपोर्ट करके एक पेयर और बना लेगा. नाउ ऑल द वंस आर इन्वॉल्व्ड. दैट इज माय मेन ऑब्जेक्टिव. तो हाउ मेनी पेयर्स वी हैव क्रिएटेड? टू पेयर्स. ओके इसे भी मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूं. विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ग्रुप में जा रहा है. अंडरस्टैंड. साथ में लिख भी दिया है टू पेयर्स. अच्छा मैंने एक शीट बनाई है जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी है. बस उसके बाहर नहीं आएगा. अब आई वॉन्ट बेस्ट आंसर फ्रॉम यू. क्या बन सकता है? एक क्वाड एक पेयर. रुद्राक्षी ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन लेक्चर. अब्दुल्ला यू ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व. सोचो जैसे सब बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा आंसर गलत ही तो होगा और कुछ तो नहीं होगा ना. उसके लिए तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे. सी सबसे पहले तो ये देखो सबसे बेटर विजिबिलिटी किसकी मिल रही है. सबसे बेटर विजिबिलिटी तो यही है कि हम डायरेक्ट एसपी क्वाड बनता है. डायरेक्ट क्वाड बन गया. अरे मुझे लगा साइड में ऐसे होना चाहिए था. साइड में तो मेरा मतलब ये ऐसे स्क्वायर टाइप में होना चाहिए था. ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल इस तरह से आप इसको कवर कर रहे हैं. ये क्वाड हो गया. अब देखिए ये दो वन हैं और क्वाड के लिए चार वन चाहिए बट इट हैज ओनली टू वन. तो ये वाले दो वन मैप रोल करके इसके साथ एक क्वाड बना सकते हैं. इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट मैप रोलिंग. और टॉप टू बॉटम भी मैप रोलिंग होती है. अगर मान लो यहां पर एक वन होता तब क्या करते? क्या ये इसके साथ कवर हो सकता है लाइक दैट? नॉट पॉसिबल. एडजेसेंट नहीं है और रोलिंग में भी नहीं आ रहा है और ओवरलैपिंग में भी नहीं आ रहा है. नो प्रॉब्लम. क्या ऐसे बना सकते हैं? डायगनल इज नॉट अलाउड. इट इज नॉट पॉसिबल.
डायगनल अलाउड नहीं है, देन व्हाट विल हैपन? अगर ये किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारी फीलिंग्स नेचर मैच नहीं करता, फिर हम उनको अपने साथ या वो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वी जस्ट पुट अ सर्कल दैट इंडिकेट्स सिंगलेट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलेट. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टू कॉट्स हैं और वन सिंगलेट है. हाँ, अगर मान लो एक वन हमें यहां मिल जाता तो बन सकता. सो इमीडिएटली एक पेयर बन जाता, बट इसको हम ऐसे ही रखना चाह रहे हैं. ऑल द एग्जाम्पल यू हैव टू राइट डाउन, all the example you have to write down in your copy. अब देखो, एक बहुत important case discuss करना चाह रहे हैं. मैंने सोचा था कि कुछ questions करा दें, उसके बाद discuss करते हैं. इस case का नाम है redundancy. Redundancy का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी, वन मिनट, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस. ये उन लोगों को बताया जाता है जो थोड़ा बहुत समझने लगते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग द चांस, आप सोचिए कि इसमें क्या बन सकता है. थ्री कॉर्ड्स, रुद्राक्षी ने कहा थ्री कॉर्ड, बस हमें यही आंसर चाहिए था एक. Anyone else? कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो अभी अभी जिसने केमैप पढ़ना स्टार्ट किया है वो तीन कॉर्ड ही बनाएगा. और कुछ रिप्लाई फास्ट. सर दो कॉर्ड दिख रहे. समवन इज सेइंग टू कॉर्ड्स. फरा इज सेइंग फोर कॉर्ड्स. हाय फरा. No, sir, three. अच्छा अच्छा थ्री कॉर्ड, आई थॉट फोर कॉर्ड. ठीक है, ये हो गया. और एनीवन एल्स? एक चीज होती है बेस्ट, जिसके आगे कुछ नहीं होता, तो हमें बेस्ट सॉल्यूशन देना है. तो बेस्ट सॉल्यूशन इसका है टू कॉर्ड्स. कैसे? हाउ? अब रुको, मेरे पास ध्यान से देखो. अगर हम एक कॉर्ड ये बना लेते हैं जल्दबाजी में, जल्दी में, कोई बात नहीं, एक मिनट, रूल के हिसाब से ये कॉर्ड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है रूल के हिसाब से. और रूल के हिसाब से ये भी एक कॉर्ड बन सकता है. बन सकता है कि नहीं? कम से कम होना चाहिए. हाँ, और रूल के हिसाब से ये भी एक क्वाड बन सकता है. अ जनरल नॉर्मल पर्सन विल क्रिएट द थ्री क्वाड्स, बट दिस इज नॉट द बेस्ट मूव. ये सही तरीका नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको चार वन दिखाई दे रहे हो, आप फौरन जल्दी जल्दी क्वाड बनाने लगे. हमें बेस्ट क्वाड बनाने हैं. तो बेस्ट क्वाड कैसे बनेंगे? बेस्ट क्वाड का मतलब होता है कम से कम क्वाड में. Listen and write down in your copy. कम से कम कॉर्ड में ज्यादा से ज्यादा वन कवर हो. Understand? कम से कम कॉर्ड में. अब इसमें देखो, एक जो कॉर्ड बन रहा है, एक कॉर्ड ये वाला, ये जो तुमने बनाया है, मैं फिर से इसको आउटलाइन कर रहा हूं. ये हमारा redundant कॉर्ड है. Redundant का मतलब होता है जिसकी जरूरत नहीं है. It is unnecessary. Wired. इसकी जरूरत नहीं है. इसको अगर हम ना भी बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो सर बेस्ट कॉर्ड क्या होंगे? बेस्ट कॉर्ड ये होंगे कि सबसे पहले आप इन चार वन को कवर करिए. तो एक कॉर्ड में अगर आपके चार वन कवर हो रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्ड. अब आप इन दोनों वन को इनके साथ कवर कर लीजिए. तो जहां पर हम
तीन कॉर्ड बना रहे थे, अब दो ही कॉर्ड बने एंड हमारे सारे वन कवर्ड भी हो गए. नाउ दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन. सर ये हमें कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा. अभी तो हमने क्वेश्चन कराना स्टार्ट ही नहीं करा, अब कराएंगे. तरीका ये देख सकते हैं, अगर ओवरलैप दो में हो रहा है तो फिर जो हटा सकते हैं वाला कॉर्ड. जैसे उसमें दोनों में ओवरलैप हो रहा था, पूरा ओवरलैप हो रहा था, पूरा वाला हटा. मतलब किसी कॉर्ड के हटने से भी अगर हमारे वन कवर हो जाएं तो वो कहलाता है हमारा रिडंडेंट ग्रुप, वो कहलाता है हमारा रिडंडेंट कॉर्ड. तो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए हमारे सॉल्यूशन में. माय सॉल्यूशन, आवर सॉल्यूशन शुड बी रिडंडेंट फ्री. अंडरस्टैंड? इसको भी मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूं. अब्दुल्ला ने भी सही आंसर दिया, सर दो कॉर्ड, वेरी गुड. लेट मी, सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी. ठीक, अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं. तो क्वेश्चन हमें कैसे एग्जाम में आएगा और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है? तो लेट मी क्लियर ऑल दिस स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, के मैप क्वेश्चन. के मैप का क्वेश्चन किस तरह से आता है? एफ सिग्मा, सिग्मा का साइन बना होगा. हम यहां लिख रहे हैं क्योंकि साइन यहां पर पॉसिबल नहीं. 0.1 4, 5, 11, 10, that's it. Reduce the expression by K-map and draw the logic gate of reduced एक्सप्रेशन. यानी पहले आपको इस एक्सप्रेशन को के मैप से रिड्यूस करना है, उसके बाद जो रिड्यूस एक्सप्रेशन निकल के आई है उसका आपको लॉजिक गेट बनाना है. ये क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का. तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आई जस्ट वॉन्ट टू कॉपी दिस पार्ट इन यहां पर. 1 मिनट. ये क्वेश्चन हमने यहां पे, इसको थोड़ा साइज रिड्यूस कर लें. इतना टाइम तो हमको बोर्ड पर भी लगता है लिखने में. ओके फाइन, ये बन गया, ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली. और इस यहाँ पर सिग्मा का साइन होगा, मैं बता चुका हूं. तो अब हमें ये क्वेश्चन मिला. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? सबसे पहले हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 4 वेरिएबल्स. तो अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल वाला के मैप स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे. ओके, जल्दी जल्दी अगर आप चाहें तो मेरे साथ कॉपी पे कर सकते हैं. बन गया. ठीक, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके बाद ग्रे कोड्स. नेक्स्ट इज ग्रे कोड्स.
पॉइंट नंबर वन, ड्रॉ द 16 ब्लॉक्स. इसके बाद ग्रे कोड्स. वन मिनट. ग्रे कोड्स के लिए क्योंकि फोर वेरिएबल्स हैं तो ए बी इस रीजन में आएगा और सी डी यहां आएगा ऊपर की तरफ. पेंसिल थोड़ा लाइट हो गई है, लेट मी टेक द डार्क पेंसिल. ओके, तो अब यहां पर 00 थोड़ा सा और पीछे से लेना होगा हमें. 00 01 1110. अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. इन चीजों के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये ग्रे कोड्स कैसे आते हैं. और यहां पर 00 सेम कॉपी करना है. 01 11 एंड 10. ग्रे कोड इज डन. अब ग्रे कोड के बाद इन वेरिएबल्स को एबीसीडी को एडजस्ट करना है. तो एबीसीडी को कैसे एडजस्ट करेंगे? जो जीरो है वहां पर कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे, यानी ए बार बी बार. पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. ए बार बी, जहां पर जीरो है वहां पर कॉम्प्लीमेंट. हियर ए बी, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. पूरा सीक्वेंस गलत हो जाएगा. ए बी बार. अब ये वाला पोर्शन हमारा सी डी का है, तो लेट मी राइट डाउन सी बार डी बार. नेक्स्ट क्लास से ये मैं बना के रखूंगा. सी बार डी, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? सी डी. इसका क्या होगा? सी डी बार. सी डी बार. तो माई ग्रे कोड इज ओवर, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर. नेक्स्ट वन, यहां पर एक लाइन रहेगी. नेक्स्ट है इन सेल के नंबर्स. अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की पोजीशन में हमारा फॉर्मूला नहीं आया. जीरो वन टू थ्री गुड फोर फाइव, कहीं पर हम गलत हो फौरन बताइएगा. सिक्स सेवन, जरा सा भी माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. सेकंड के बाद आपको लास्ट में आना है. टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन. नाउ योर के मैप इज प्रिपेयर्ड. अब कहां कहां पर वन प्लेस करना है? ये जो आपको नंबर दिए गए हैं, दीज आर एक्चुअली द सेल नंबर्स. इन सेल नंबर्स पे आपको 111 प्लॉट करना है. 111 प्लॉट करना है. तो सबसे पहले जीरो पे एक वन प्लॉट होगा, थोड़ा डार्क वन प्लॉट कर रहे हैं. फिर वन पर एक वन प्लॉट होगा, फिर फोर पर एक वन प्लॉट होगा, फिर फाइव पे एक वन प्लॉट होगा. अब कहां पे प्लॉट होगा? 11 पे. 11 या 10 पे. फिर दैट्स इट. बस अब हम उसी पोजीशन पर आ गए जो वन हम डायरेक्टली ले रहे थे. अब आपको समझ में आ गया हाउ दीस वंस आर कमिंग, हाउ दीस वंस आर कमिंग. ओके, अब माय फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द 16 ब्लॉक्स. सेकंड स्टेप इज टू राइट डाउन द ग्रे कोड. थर्ड स्टेप वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन. Fourth step, cell numbers. Fifth step, placing the one. Sixth step, making the quad octet and pair. क्या बन सकता है इसमें? एक quad, एक pair. क्या इसमें हम तीन quad? एक quad, एक pair. Very good, Abdullah. One, very good, excellent. तो ये एक quad बन गया. कॉर्ड बनाने के लिए आपको ऐसे आउटलाइन बनानी पड़ेगी और ये बन गया. एक्चुअली पेयर को हम लोग थोड़ा सा ओवल से शो करते हैं. ये दैट्स इट. ठीक है, अब हम रिडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो रिडक्शन के लिए थोड़ा हम जगह स्पेस यहां बना रहे हैं. अब आपको यहां लिखना है. क्या लिखना है? आपने यहां लिखा कॉर्ड.
अच्छा अब हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में देयर आर सो मेनी कॉर्ड्स, तो आप कौन से कॉर्ड की बात कर रहे हैं? हम इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं, ऐसे कहने से तो नहीं। 0, 1, 4, 5 तो ये कॉर्ड कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पे बना है, वो कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। 0, 1, 4, 5 अंडरस्टैंड? ओके, यानी कि अब ये एग्जामिनर को कंफर्म्ड हो गया कि आप इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं। अब एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? देयर आर टू मेथड्स टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन, वन इज डायरेक्ट मेथड, द अनदर वन इज शॉर्टकट मेथड। तो अभी हम डायरेक्ट मेथड आपको बता रहे हैं, शॉर्टकट मेथड कल से आ जाएगा। अब इस कॉर्ड में कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन मिनट प्लीज। ए टाइम का ध्यान रखिएगा, टाइम ओवर होने वाला है, वैसे ये जाएगा नहीं। ए बार बी बार इसको, सॉरी इसको इसके साथ, तो सी बार डी बार, अंडरस्टैंड? बीच में प्लस रहेगा बिकॉज इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको इसके साथ, तो ए बार बी बार एंड सी बार एंड डी, अंडरस्टैंड? प्लस अब ये नीचे वाला जो सेट है, इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाउ टू राइट, कैन यू प्लीज हेल्प? ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी, गुड, ओके, सी ए बार बी और सी बार डी, इतना ही जूम सपोर्ट कर रहा है हमारे लिए, यही बहुत है इस पीरियड में। ओके फाइन, तो आई हैव रिटन ऑल द फोर सेट्स जो कि इस कॉर्ड में इन्वॉल्व है। अब बहुत आसान है, इन सारे सेट में आप देख लीजिए जो कॉमन वेरिएबल है उसको लिख दीजिए, जो चारों में हो कॉमन। यू हैव ए बार सी बार जो कॉमन है, तो अगर हम कॉमन की बात करें तो ए बार सब में है, और क्या कॉमन है? सी बार कॉमन। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का ये रिड्यूस टर्म है, दिस इज कॉल्ड अ रिड्यूस टर्म। इससे ज्यादा ये एक्सप्रेशन रिड्यूस नहीं हो सकती। वन मिनट, अभी सिर्फ ये कॉर्ड रिड्यूस हुआ है, अभी ये पेयर बाकी है, तो इस पेयर को कैसे रिड्यूस करेंगे? वन मिनट, थोड़ा हम नीचे आते हैं और यहां पर आई एम जस्ट राइटिंग पेयर। तो पेयर में कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व हैं? 11, सॉरी कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? 11, 10। अब इस पेयर की अगर बात करें तो अगर हम इसको साइड में देखें तो ये वेरिएबल इन्वॉल्व है, और अगर हम ऊपर जाएं तो ये दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इसको इसके साथ, तो हाउ टू राइट? ए बी बार सी डी प्लस इस ए बी बार को इस वाले के साथ, मतलब सी डी बार के साथ, तो ए बी बार सी डी, अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव टू राइट डाउन द कॉमन। तो कॉमन इसमें है ए बी बार एंड सी, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? वन मिनट, एग्जामिनर अब इन दोनों को, वन मिनट, ये आपका कॉर्ड रिड्यूस हुआ है और ये आपका पेयर रिड्यूस हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन आपकी हो जाएगी
ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी. अंडरस्टैंड, दिस इज योर रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन. एग्जामिनर इस रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन को अपनी शीट से चेक करता है. सो दिस इज योर रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन. अब तुम बताओ कि इस कॉट के रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन में और पियर के रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन में कुछ डिफरेंस लग रहा है तुमको? आर यू गेटिंग सम डिफरेंस? यस सर. पियर में ज्यादा वेरिएबल्स आ रहे हैं, कॉट में कम आ रहे हैं. इसीलिए कहा जाता है कि कॉट ज्यादा बनाओ, पियर कम बनाओ, क्योंकि कॉट से ज्यादा एक्सप्रेशन रिड्यूस होती है पियर से कम. जब तुम ऑक्टेट रिड्यूस करोगे तो सिंगल वेरिएबल में आंसर आएगा. इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी सी, इट मे बी डी. तो इसलिए हम ऑक्टेट को प्रेफरेंस देते हैं. लेकिन ऑक्टेट नहीं बन रहा है तो हमें फिर जाना पड़ेगा दूसरे चीजों की तरफ. अब ये जो एक्सप्रेशन हमारी बनकर आ गई, इसका हमें लॉजिक गेट बनाना है, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. तो लॉजिक गेट बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर एक्सपर्ट इन दैट. हम पूरी तरह से इसमें एक्सपर्ट हैं. तो ए को नॉट से पास करेंगे, सी को भी नॉट से, सी को भी नॉट से, फिर ए 2015 से पहले, और 2015, 16, 17, 18, 2015, 2000 ईयर 2015 की बात कर रहे हैं. 2015 से इस तरह से गेट बनवाए जाते थे. उसके बाद से गेट बनाने का प्रोसीजर थोड़ा चेंज हुआ, वो बताएंगे कैसे चेंज हुआ. ए बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, दिस इज नॉट गेट. प्रोग्राम लिखने में टाइम नहीं लगता है, स्पीड है हमारी, लेकिन ये सब ड्रॉ करने मैंने सीखा इसको बनाना. कभी यूज ही नहीं करा, ये ऑनलाइन में सीखा इतना बनाना, तब जाके कभी ऐसा सही बन पा रहा है थोड़ा. और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे. नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन ऑन दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे आपको लिखना है. दिस इज योर फर्स्ट केमैप क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. अंडरस्टैंड, यही करना है आपको. सारे क्वेश्चन, अराउंड 50 क्वेश्चन आर वेटिंग फॉर यू. ठीक है, 50 क्वेश्चन. ठीक है, और अब 50 क्वेश्चन एसओपी, 50 क्वेश्चन पीएस, 100 क्वेश्चन का टारगेट. इसको भेज रहे हैं आपको ग्रुप पर. पूरे क्वेश्चन की प्रॉपर स्टडी करेंगे. ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको बेटर विजिबिलिटी के साथ मिल जाएगा, और इंक्रीज भी किया जा सकता है. जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज ओवर, क्लास इज ओवर. इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है. क्वेश्चन आपको आज शाम तक या कल तक कुछ बनाकर भेज देंगे, 3-4. ठीक, क्या करना है आपको जब तक आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं?